माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूँ, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। हाय एवरीबॉडी, देखिए आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला एक नई जगह पर, तो सोचा कि कुछ शूट किया जाए और आपको कुछ नया दिखाया जाए। देखिए मैं जहाँ से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये पंजाब में नंगल की ये जगह है, और नंगल से मैं आपको ले चलता हूँ पहाड़ी की तरफ। जी हाँ, पहाड़ी की तरफ। और देखिए अब यहाँ पर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी नदी जिसका नाम आपने सुना होगा, सतलुज। सतलुज नदी, अभी आपको मैं पहाड़ दिखाने जा रहा हूँ, इन्हीं पहाड़ों से ही उसका उद्गम होता है और इन्हीं पहाड़ों से ही वो निकलती है और धीरे धीरे पूरे पंजाब से बढ़ते हुए ये बहुत आगे तक जाती है। ये देखिए ये आ गया पहाड़ सामने, आपको नज़र आ रहा है ये पहाड़, बिल्कुल आ रहा है, ये पहाड़ है, बहुत ऊंचाई पे है ये एरिया नंगल। और देखिए ये सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और ये सूर्य भी निकल चुका है, और ये जो पानी आप देख रहे हैं यही पानी है सतलुज का। जी हाँ, ये सतलुज का पानी वो सामने पहाड़ी से आ रहा है जहाँ पे सामने सूर्य नज़र आ रहा है, और बिल्कुल सामने जो जगह बनी हुई है वहाँ पर पहाड़ी के आसपास और बीच में, वो वहीं पर भी एक बाखड़ा बांध, सुना होगा आपने, जानते होंगे आप, बाखड़ा बांध वहीं पर है और वहीं पहाड़ों के बीच से होती हुई ये नदी निकल रही है। बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पर, और ये जो बीच बीच में छोटे छोटे घर देख रहे हो आप पहाड़ों में, ये रेजिडेंस है, लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देखिए ये नदी इस तरफ जा रही है, ये पानी ही पानी है, और ये जंगल साइडों में, ये देखिए। जी हाँ, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे और आपको देखने में अच्छा लगे तो जैसा आपको ठीक लगे लाइक, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना या कमेंट करके बताना ऐसी जानकारियाँ, तो जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिलता है मैं शूट करता रहता हूँ और आप तक हर तरह की जानकारी पहुँचाता रहता हूँ। ये देखिए सामने, ये जो सामने बैठा है वो देखो, वो बंदर है सामने, बंदर। हाँ जी हाँ, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो सामने बाखड़ा बांध है वो बहुत ऊंचाई पर है और उसमें चार फट्टे लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, फट्टे वो नहीं जो छोटे छोटे फट्टे होते हैं, हम कहीं भी लगा लेते हैं सिर पे उठा के, ये तो बहुत बड़े बड़े फट्टे लगे हुए हैं, और अगर ये खुल जाएं चारों फट्टे
तो मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा पानी है और पता नहीं क्या क्या डूब जाएगा, कुछ कह नहीं सकते पानी कहाँ तक जा सकता है। और वो पानी नीचे जाते हुए सतलुज से जा कर के आगे, इस नदी से जा कर के आगे बना हुआ है नंगल डैम, डैम बना हुआ है वो भी। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ, अगर वहाँ जाने का मुझे मौका मिला तो मैं वो भी आप तक शेयर करूँगा। हर तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, बस देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे आने वाले हर तरह की जानकारियाँ, एंटरटेनमेंट, हर तरह का मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, हर तरह का जो मसाला होता है वो आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस भी देख पाएँ। दिल में ख्वाब आँखों में अरमान सजाए रखना, दिल में ख्वाब आँखों में अरमान सजाए रखना, फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में आपके साथ। बस मेरे वीडियो को यूं ही देखते रहना, यूं ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।